हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी जूम ऐप पे अपने मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जूम ऐप पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जूम एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जूम एप्लीकेशन में जब भी आप मीटिंग वगैरह करते हैं या फिर मीटिंग पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं ताकि उसे हम बाद में देख सके। तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जूम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको फोन में एक सेटिंग पहले आपको करना है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च में सबसे ऊपर आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप करना है। देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबसे ही ऊपर में आ गया है। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने हैं, रिकॉर्ड सिस्टम साउंड इसे ऑन कर देना है और उसके बाद रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड इसे भी ऑन कर देना है। जब भी हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का साउंड होता है वो भी रिकॉर्ड होगा और हमारा जो साउंड होता है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों को मैंने ऑन कर दिया और उसके बाद यहाँ से आप बाहर आ जाइए और ऊपर से आपको एक बार स्लाइड करना है, पूरा नीचे तक स्लाइड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो इस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सारा का सारा यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे हो सकता है तो आपको अगर इसमें दिखाई दे रहा है तो नीचे से ड्रैग करके ऊपर आपको ले आना है और यहाँ पे आपको कहीं भी रख लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है तो ऊपर में आ गया है। तो चलिए अब यहाँ से हम बाहर आते हैं और अब आपको क्या करना है, जूम ऐप पे जाना है और अब आपको जो भी मीटिंग ज्वाइन करना है या फिर मीटिंग जो भी क्रिएट वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टार्ट मीटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो मीटिंग है, सो यहाँ पे हमारा मीटिंग कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले तो मैं स्टॉप वीडियो पे क्लिक करके इसका कैमरा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मीटिंग स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ज्वाइन करना चाहते हैं कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से आपको स्लाइड करके नीचे करना है और उसी पे क्लिक कर देंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक रिकॉर्डिंग का बटन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया है। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे लेकिन यहाँ पे इस टाइप से एक बटन आ जाता है, इधर या फिर इधर कहीं भी हो सकता है। और इसमें आपको एक रेड कलर का रिकॉर्ड का बटन दिखता है। जैसे ही आप इस रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा और रिकॉर्ड होने के बाद वो आप जो है, चलिए यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड करके एक वीडियो छोटा सा दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गया है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और सेकेंड भी हमारा दिखा रहा है। अगर आपको रिकॉर्डिंग बंद करना होगा तो वापस से आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ पे एक रेड कलर से आ रहा है और इस पे हम क्लिक करेंगे और वापस से जब हम इस पे रेड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। देख सकते हैं दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हैज बीन सेव्ड और यहाँ पे हमारा जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो अब हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो गया। तो इस तरह से आपको भी मीटिंग कर लेना है, जो भी करना है वो कर लेना है, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम मीटिंग को क्लोज कर देते हैं और अब जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है वो जाएगा कहाँ पे, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ से आप बाहर आएंगे और जो भी आपका वीडियो है जो रिकॉर्ड हुआ है वो आपके वीडियो में जाएगा। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमारा वीडियो आ गया होगा। देख सकते हैं ये रहा वीडियो, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि ये हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे और जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गया है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है और सेकंड भी हमारा दिखा रहा है। तो देख सकते हैं ये रहा हमारा वीडियो और बिल्कुल परफेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। सिस्टम का साउंड और जो मेन साउंड होता है दोनों ही रिकॉर्ड होता है। और इस तरह से आप भी जूम ऐप पे जो है वो मीटिंग चलते हुए भी उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं।